प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे हिंदी लेक्चर सबसे पहले देखने के लिए, और यह फ्री है। हेलो बच्चों, मैं मंजू कुमारी आज आप लोगों को क्षितिज भाग वन क्लास नाइन काव्य खंड पाठ का क्वेश्चन आंसर, साखियाँ एवं शब्द का क्वेश्चन आंसर मैं अभी आप लोगों को लिखाने जा रही हूँ एग्जाम के लिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले जो है साखियाँ और शब्द का हम फुल एक्सप्लेनेशन भी कर चुके हैं, इसके लिए आप आई बटन क्लिक करके आप मेरे वीडियो को स्लो और फास्ट में भी देख सकते हैं। और आई बटन के बगल वाले तीन डॉट आइकन को क्लिक करके मेरे वीडियो के को स्पीड या स्लो में आप देख सकते हैं और वीडियो के क्वालिटी को आप घटा बढ़ा सकते हैं। और अभी हम आप लोगों को क्वेश्चन आंसर पढ़ाने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि साखियाँ का है, कबीर के साखियाँ का। इसमें क्वेश्चन है पहला, मानसरोवर से कवि का क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर लिखिए, मानसरोवर से कवि का अभिप्राय है हृदय रूपी तालाब से, इसका अभिप्राय है जो मन में स्थित है। और क्वेश्चन नंबर टू है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? तो इसका आंसर है, कवि के अनुसार सच्चे प्रेमी की कसौटी यह है कि उससे मिलने पर मन का सारा दुर्गुण भावनाएं नष्ट हो जाती है और मन पवित्र हो जाता है और ईश्वर के प्रति जो है मन पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर थ्री है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? इसका आंसर लिखिएगा, इस दोहे में कवि ने साधना अवस्था के बाद जो अनुभव होता है वह उस ज्ञान के महत्व की ओर प्रकाश डाला गया है। क्वेश्चन नंबर चार है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है अथवा संत सुजान से क्या आशय है? इसका आंसर होगा, कबीर के अनुसार सच्चा संत वह है जो संकीर्णताओं रूढ़िवादिताओं अपना पढ़ाया वाला भेद भाव से ऊपर उठकर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी सभी सुखी हों और सबका भला हो, ऐसी भावनाएं रखते हुए सदा ईश्वर के चरणारविंद में लीन रहते हैं और संसार के सभी प्राणियों का कल्याण करने के लिए प्रतिक्षण तत्पर रहते हैं। सच्चा संत हानि लाभ यश अपयश सबसे ऊपर उठे हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? जो साखिया में है अंतिम दो दोहे, तो इसमें आंसर लिखिएगा, अंतिम दो दोहों में कबीर ने निम्नलिखित संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। पहला क्या है, अपने अपने मत को श्रेष्ठ मानने की संकीर्णता और दूसरे के धर्म की निंदा करने की संकीर्णता। और ख में है, ऊंचे कुल के अहंकार में जीने की संकीर्णता। क्वेश्चन नंबर छः लिखिए, किसी भी व्यक्ति की यह पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसका आंसर लिखिएगा, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है न कि ऊंचे कुल से। इस संसार में कितने राजा महाराजा धनी पूंजीपति यहाँ आए और संसार से विदा हो गए, किसी ने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे संसार के व्यक्तियों का कल्याण हो, परंतु कुछ ऐसे भी दिव्य शक्ति के रूप में इस पृथ्वी पर अवतार लिए जिन्होंने अपने कर्म से पृथ्वीवासियों का कल्याण किए, जैसे राम कृष्ण बुद्ध महावीर आदि। इन्हें इसलिए जाना गया क्योंकि ये केवल कुल से ऊंचे नहीं थे बल्कि उन्होंने ऊंचे कर्म किए। इसके विपरीत कबीर सूर तुलसी बहुत सामान्य घरों से थे। इन्हें बचपन में बहुत तरह की ठोकरें भी मिली थी, फिर भी वे अपने श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर संसार भर में प्रसिद्ध हो गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि
महत्व ऊंचे कर्मों का होता है, कुल का नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए। काव्य सौंदर्य हो सकता है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो किसका? हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन देव झकमार। इसका आंसर होगा, कवि कहते हैं कि सहज साधक मस्ती से हाथी पर चढ़े हुए जा रहे हैं और संसार भर के कुत्ते भौंक रहे हैं, अर्थात समाज के कुटिल लोग कटाक्ष कर रहे हैं, परंतु वे हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। यानी ज्ञानी के ऊपर कितना भी छीटा कशी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह चित्र निंदकों पर व्यंग है और साधकों के लिए प्रेरणा है। यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, यहाँ सघुकरी भाषा का प्रयोग किया गया है। शास्त्रीय ज्ञान का विरोध है तथा सहज ज्ञान को महत्व दिया गया है। अब आप लोगों को शब्द का भी क्वेश्चन आंसर इसमें ही हम करा दे रहे हैं, तो ध्यान से साखियां का अलग समझ लीजिएगा और शब्द का इसमें अलग से क्वेश्चन आंसर दोनों अलग अलग याद कर लीजिएगा। तो इसमें शब्द में जो क्वेश्चन है, मनुष्य ईश्वर को, क्वेश्चन लिखिए, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। इसका आंसर होगा, मनुष्य ईश्वर को मंदिर मस्जिद कावा कैलाश योग वैराग्य तथा विभिन्न तरह के कर्म कांड पूजा पाठ पद्धतियों में ढूंढता फिरता है। कोई अन्य किसी साधना पद्धति को अपनाकर ईश्वर को खोजता है। अब क्वेश्चन, अब इसका है, क्वेश्चन लिखिए, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका, अथवा यह भी आ सकता है, ज्ञान की आंधी आने पर व्यक्ति के व्यवहार में क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर होगा, ज्ञान की आंधी का मतलब है जब हृदय में ईश्वर का साक्षात्कार होता है साधना के द्वारा, तो मन का सारा कुबुद्धि कुविचार नष्ट हो जाता है। मनुष्य के अंदर जो अंधकार रूपी अज्ञानता है वह सब नष्ट हो जाता है, वह मोह माया से ऊपर उठकर मुक्त हो जाता है। मन पवित्र तथा निश्चल होकर प्रभु भक्ति में तल्लीन हो जाता है, जिससे जीवन में आनंद ही आनंद चारों तरफ छा जाता है। अब क्वेश्चन आगे है, भाव स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट करने का भी आपका को एक क्वेश्चन रहेगा। तो इसका है, चित्त की द्वैधुनी गिरानी मोह वलिंडा टूटा। इसका आ सकता है भाव स्पष्ट करने, तो इसका आंसर लिखिएगा, इसका भाव किसका है, चित्त की द्वैधुनी गिरानी मोह वलिंडा टूटा, इसका जो है भाव स्पष्ट कीजिए। तो हम अभी आपको लिखा रहे, लिखिए, इसका भाव यह है, आंसर लिखिए, इसका भाव यह है कि ईश्वरीय ज्ञान के आने से मनुष्य के स्वार्थ रूपी दोनों खंभे टूट जाते हैं, इससे कामना रूपी छप्पर नीचे गिर गया, उसके मन की सारी बुराइयां जो है समाप्त हो गई और मन बिल्कुल साफ हो गया। अब ख का है, भाव स्पष्ट रहेगा, ख में लिखिए, आंधी पीछे जो जल बूटा प्रेम हरिजन भीना। तो इसका आंसर होगा, इसका भाव यह है, ईश्वरीय ज्ञान हो जाने के बाद प्रभु प्रेम के आनंद की वर्षा हुई, उस आनंद में ईश्वर के सभी भक्त भींग गए, अर्थात ईश्वर से साक्षात्कार हो गया, ज्ञान प्राप्ति के बाद मन निर्मल हो गया या मन निर्मल हो जाता है। अब क्वेश्चन आगे लिखिए, क्वेश्चन, संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। यह भी आ सकता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका आंसर लिख लीजिए, कबीर अपनी साखियों और पदों के माध्यम से मानव के हृदय में ईश्वर प्राप्ति किस तरह से हो, इसका वर्णन किए हैं। कबीर अपने विचारों द्वारा जनमानस की आंखों पर धर्म तथा संप्रदाय के नाम पर पड़े पर्दे को खोलने का प्रयास किया है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया है, जाति पाति ऊंच नीच छुआछूत जैसी बाह्य आडंबर पर करारी चोट किए हैं। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है,
ईश्वर मंदिर मस्जिद तथा गुरुद्वारे में नहीं होते हैं, बल्कि मनुष्य के अंतर आत्मा में होते हैं। कबीर ने हर एक मनुष्य को राह से भटकते हुए राह से जो है उनको अपने वाणी के द्वारा प्रेरणा दिए हैं। पृथ्वी के सारे मानव एक हैं, किसी में कोई जात पात नहीं है। मनुष्य जाति नहीं आत्मा है, और आत्मा की कोई जाति नहीं होती। अतः कबीर के अनुसार इसे इन सब चक्करों में नहीं पढ़ना चाहिए। अब क्वेश्चन आपको यह भी आ सकता है, मोको कहाँ तू ढूंढे बंदे के आधार पर बताइए कि प्रभु प्राप्ति का उपाय क्या है। इसका आंसर लिखिएगा, कबीर अपने पदों के माध्यम से, आंसर लिखिए, कबीर अपने पदों के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि प्रभु हर मनुष्य की सांस में समाया हुआ है। उसे पाने के लिए बाहर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह हमारे शरीर के भीतर ही है। और यह तब हमें मालूम होता है जब जीवन में सच्चे सद्गुरु मिलते हैं। वे अपनी चाबी से दिव्य दृष्टि खोल देते हैं, जिससे क्षण भर में ही ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। कबीरदास जी एक बहुत ही पहुंचे हुए संत थे। उन्हें मालूम था कि इस तरह अगर मानव मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जादू टोना में पढ़कर व्यर्थ जिंदगी बर्बाद कर लेगा तो ईश्वर का दीदार हो ही नहीं सकता है। इसलिए वे सख्त होकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यानी संसार के सभी प्राणियों को डांट कर झकझोर रहे हैं। मन को हर चकाचौंध से दूर करके स्थिर करना चाहते हैं। हिंदू और जो है मुस्लिम को भी डांट लगाए हैं। हिंदू को भी बोले हैं, माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का छाड़ के मन का फेर। मतलब कहने का यही है कि माला फिरते ही तुम्हारा जुग का जुग, तुम्हारा जिंदगी चला जाएगा, इससे कुछ भी नहीं होगा। मन में ईश्वर का दीदार हो सकता है। और दूसरी तरफ मुस्लिम को भी डांट लगाए हैं, दिन भर रोजा रहत है, रात हनत है गाय, यह कहकर उनको भी डांट लगाए हैं। और मूर्ति पूजा का भी विरोध किए हैं। हिंदुओं को बोले हैं जो पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इस ताते ये चक्की भली जो पीस खाए संसार। इस तरह से हिंदू मुस्लिम को डांट लगाए हैं। मन में किसी भी तरह का विकार नहीं आने देना चाहिए। जब सभी तरफ से मन को स्थिर करके सद्गुरु के द्वारा बताए गए तरीकों को अपनाएंगे तो पल भर में ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। बिना सद्गुरु के किसी भी व्यक्ति को ज्ञान नहीं हो सकता। इस ओर कबीरदास जी इशारा कर रहे हैं अपनी पाठ के कविता के माध्यम से, क्योंकि वे ही ईश्वर प्राप्ति का सही रास्ता बताते हैं। अब आगे छोटा क्वेश्चन भी आप लोगों को आ सकता है, मैं तो तेरे पास में कवि क्या कहना चाहते हैं। इसका आंसर होगा, कबीर मैं तो तेरे पास में के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि ईश्वर हर प्राणी के हृदय में समाया हुआ है। वह हर क्षण उसके साथ लगा रहता है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। और क्वेश्चन छोटा यह भी रह सकता है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है, अतः वह कहाँ मिलता है। तो इसका आंसर होगा, मनुष्य ईश्वर को धार्मिक स्थलों जैसे तीर्थों, व्रत वैराग्य और कर्म कांडों में ढूंढता है, परंतु ईश्वर तो हृदय में है, घट घट में है, अतः वह साधक को अपने हृदय में ही मिलता है। अब क्वेश्चन छोटा यह भी आ सकता है, कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ मिलता है और कहाँ नहीं मिलता है। इसका आंसर लिखिएगा, कबीर के अनुसार ईश्वर सबकी सांसों में मिलता है। वह मंदिर मस्जिद तीर्थ व्रत या कर्म कांडों में नहीं मिलता। और क्वेश्चन छोटा छोटा है, यह सब
याद भी रखना चाहिए और यह जीवन के लिए भी बहुत ही जरूरी है। इसलिए यह चाहे तो एग्जाम में आए या नहीं आए, इस सब का जो है आंसर क्वेश्चन सब रखना चाहिए, तो इससे ज्ञान बढ़ता है। कबीर के अनुसार ज्ञान की आंधी काया से कौन कौन सा कूड़ा करकट निकाल देती है, तो इसका आंसर लिखिएगा। कबीर के अनुसार ज्ञान की आंधी जब आती है तो काया से हर प्रकार का ढोंग छल कपट निकाल देती है, भक्त बाहरी आडंबरों के फंदों से छूट जाता है। अब क्वेश्चन आगे लिखिए, कबीर ने ईश्वर के अस्तित्व को कहाँ कहाँ ढूंढने से मना किया है, अथवा कबीर ने ईश्वर की स्थिति को कहाँ कहाँ नकारा है। कबीर ने आंसर लिखिए, कबीर ने ईश्वर के अस्तित्व को मंदिर मस्जिद कावा काशी व्रत वैराग्य तथा अन्य कर्म कांडों में ढूंढने से मना किया है। अब क्वेश्चन लिखिए, कबीर के अनुसार कावा कब काशी हो जाता है, इसका आंसर है जब मनुष्य का मन हिंदू मुसलमानों के ऊपरी भेदभाव से ऊपर उठ जाता है तो कावा काशी हो जाता है। और क्वेश्चन आगे है, हिंदुओं और मुसलमानों की कट्टरता किस बात से प्रकट होती है, इसका आंसर लिखिएगा। हिंदू और मुसलमानों की कट्टरता इस बात से प्रकट होती है कि वे अपने अपने ईश्वर को ही सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, वे अन्य किसी नाम को सुनने को तैयार नहीं। आगे क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है ये सब, दो नंबर का या चार नंबर, दो दो नंबर या तीन चार का आ सकता है। कबीर के पखा पखी से क्या तात्पर्य है, इसका आंसर लिखिए। पखा पखी का तात्पर्य है तर्क वितर्क और पक्ष विपक्ष, धर्म के नाम पर व्यर्थ की ज्ञान चर्चा। आगे क्वेश्चन है, कबीर अपने अधिकतर दोहों और शब्दों में साधुओं को ही क्यों संबोधित करते हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए, तो इसका आंसर है, कबीर मानते थे कि केवल साधु ही प्रभु भक्ति की बात सुनना समझना चाहता है, इसलिए वे उसी को संबोधित करते हैं, अन्य संसारी जीव प्रभु भक्ति की बात सुनना ही नहीं चाहते, अतः उन्हें कुछ बताना सुनाना व्यर्थ है। अब आगे क्वेश्चन है, कबीर के अनुसार उच्च कुलीन व्यक्ति क्यों ऊंचा नहीं माना जाता, उदाहरण सहित लिखिए, जो कि अभी पाठ उनका जो है दोहा में लिखा है, इसका आंसर लिखिएगा। कबीर के अनुसार उच्च कुलीन व्यक्ति ऊंचा नहीं माना जाता, उदाहरण सोने की सुराही यदि मदिरा से मदिरा मतलब शराब से भरी हो तो उसकी निंदा होती है। अब आगे है कबीर क्वेश्चन, कबीर का मोठ चून मैदा भया से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए, तो इसका आंसर है मोठ चून का आशय है बेकार वस्तु अन्य धर्म, मैदा का आशय है मूल्यवान वस्तु अर्थात अपना धर्म। कबीर कहते हैं यदि मन में सद्भावना और प्रेम हो तो अन्य धर्म भी हमें भले ही प्रतीत होने लगते हैं, मतलब एक ही प्रतीत होते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता है। अब क्वेश्चन आगे है, कबीर के पद आज पहले से भी अधिक प्रासंगिक है, तर्क सहित संक्षेप में उत्तर दीजिए, आंसर है कबीर ने अपने पदों में ईश्वर भक्ति और सबकी समानता का संदेश दिया है। आज के युग में सर्वाधिक सांप्रदायिक झगड़े हैं और नास्तिकता फैली हुई है, अतः कबीर की वाणी आज के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। अब आगे क्वेश्चन है, कबीर के दोहे और पद सांप्रदायिक सद्भाव उत्पन्न करते हैं, इस विषय में संक्षेप में लिखिए, तो आंसर है कबीर के दोहे हिंदू मुसलमान के भेदों को नहीं मानते, वे दोनों की कट्टरता का विरोध करते हैं, वे साफ कहते हैं कि जो लोग इनकी कट्टरता में पड़ते हैं वे मरे हुए के समान है। लास्ट क्वेश्चन एक और है आपका, कबीर मनुष्य की श्रेष्ठता किस में मानते हैं, साखी के आधार पर स्पष्ट कीजिए, तो इसका आंसर है कबीर उसी मनुष्य को श्रेष्ठ मानते हैं जो हिंदू मुस्लिम का भेदभाव तज कर मतलब त्याग कर भगवान का भजन करता है। आशा है आप लोग सब समझ गए होंगे, और मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और सब्सक्राइब के आगे जो बेल बटन है उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, या
धीमा स्पीड करके आप सुन सकते हैं, और आई बटन के तीन डॉट वाले आइकन को क्लिक करके मेरे हर वीडियो को आप स्पीड में या स्लो में सुन सकते हैं, और मेरे वीडियो के क्वालिटी को आप बढ़ा घटा सकते हैं। और आपको यह वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आगे फिर हम दूसरे पाठ के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।